ऑल राइट, सो एवरीथिंग इज सेट नाउ. अभी निकलने का टाइम आ गया. आज तारीख है 10th of November एंड टाइम हो रहा है अराउंड 12:30 रात के. सो अगर आपने पहला वाला मेरा व्लॉग देखा रहेगा, सबसे पहले जब हम कोल्हापुर आए थे तो रूम थोड़ा अलग था. अभी का ये रूम देख लो, थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज हमने 2 दिन एक्सटेंड किया. पता नहीं क्यों बट पहली बार ऐसे हुआ है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा. मतलब बैग्स आर ऑलमोस्ट रेडी. यहाँ पे टैंक बैग, यहाँ पे कैमरा जाएगा, ये पीछे लगेगा एंड ये 2 बैग. तो उसके पहले मुझे कॉफ़ी पीना है, तो बिकॉज पता नहीं अभी नींद तो नहीं आई, अभी तो नहीं आ रही है बट आगे जाके पता नहीं. तो यहाँ पे जो हमने रखे थे कॉफ़ी के पाउडर, ये रही ब्रू कॉफ़ी, इसमें डालूँगा. हम रह रहे थे होटल अथर्व, कोल्हापुर स्टैंड के नज़दीक है. होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है रहने के लिए. कितना 3000 पर नाइट ऐसा कुछ है, 3-3.5 हज़ार पर नाइट का उसका रेंट है. एंड बाकी कुछ बचा तो है नहीं, तो अभी निकल जाएंगे फटाफट 15-20 मिनट में, बाइक पे बैठेंगे एंड फिर मिलता हूँ. आई एम ऑलमोस्ट रेडी, पैंट पहन ली, जैकेट पहनना है, ये सब रखा हुआ है. GoPro एंड हेलमेट्स एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने सबसे पहले वीडियो देखा रहेगा मेरा जब मैं ट्राई कर रहा था इंटरकॉम कनेक्ट करने के लिए, मतलब सेना को चाइनीज़ वाले इंटरकॉम के साथ कनेक्ट करने के लिए, और वो हो नहीं रहा था. तो उसका सलूशन मिल गया है, बेसिकली बहुत ईजी था. अपने मोबाइल पे एक ऐप रहता है सेना कनेक्ट करके, शायद से सेना का कुछ ऐप है, उसके अंदर गाइडलाइंस है. उसका PDF पढ़ोगे तो उसमें है कि सेना को एक्चुअली चाइनीज़ इंटरकॉम के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कॉफ़ी पीता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. होटल अथर्व, ऑलराइट. सो अब सब तैयारी हो चुकी है, मैं रेडी हूँ, निकिता रेडी है. पहले देखते हैं इंटरकॉम कैसे कनेक्ट करने का, मैं आपको बता देता हूँ. वैसे तो कनेक्टेड है बट इनकेस अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये रहा मेरा चाइनीज़ इंटरकॉम TCOM और ये सेना 5S. तो सबसे पहले इसको हम डालेंगे पेयरिंग मोड पे, पकड़ के रखना 5 सेकेंड. पेयरिंग आया, बाद में सेना को स्टार्ट करते हैं. और इसको पेयरिंग मोड में डालेंगे बट 10 सेकेंड के लिए पकड़ के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे. ये नॉर्मल पेयरिंग सेना टू सेना कनेक्ट करने के लिए, और ये रहा कॉन्फ़िगरेशन मोड. इसको अगर आप प्राइवेट घुमाओगे तो ये डिलीट, ये रिमोट कंट्रोल और ये ब्लूटूथ पेयरिंग. ब्लूटूथ पेयरिंग पे आने के बाद आपको ये P वाला बटन दबाना है और पैड कनेक्ट. और ये भी A से, और आप देखोगे यहाँ पे तो कनेक्शन ए से बता रहा है और यहाँ पे पेड बता रहा है, देखो ये दोनों बात कर रहे हैं. सो दैट्स इट, इतना ही था. कितना हार्डली 5-10 मिनट लगा उस दिन, मुझे लगा था 1 घंटा और फिर भी नहीं हुआ था. अभी मज़ा आएगा बात करने के लिए, बिकॉज क्या होता है इंटरकॉम टू इंटरकॉम जब कनेक्ट होता है ना तो उसका कनेक्टिविटी लूज़ नहीं होता. जब हम मोबाइल से कॉल लेते हैं और फिर वो कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल से कॉल जाएगा टावर पे, टावर से आएगा मेरे पास, फिर वापस वो बहुत लंबा कनेक्शन हो जाता है. अभी एक है पीछे रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत कम रहेगी और इसका भी वैसे भी 750-800 मीटर पे कनेक्शन हो जाता है. तो अभी मज़ा आएगा, सो चलते निकलते. ये पूरा क्यों निकल दिया वो, अच्छे से लगा रही है. ये देखो, ये होती है बैग भरने की टेक्निक, रोल करके
अंदर डाल दो। सो ये होने के बाद निकल लेते हैं, जैकेट वगैरह पहन के रेडी, सब कुछ पैक कर लेते हैं, मिलते बाइक पे। हेलो, म्यूजिक लग गया तुझे? तो म्यूजिक नहीं लग ना, मजा आ जाता है। ओके ये बाद में पहनता हूँ। मैं बसो आदि कितु बसते जिसने समझा मेरे को बाइक चलाने आ गया हो गया ट्रिपी और कॉन्फिडेंट नहीं होने का। मैप टक मैप टक मैप है बग इतने बस लेत अथर होटल था। अच्छा होटल डिसेंट है मतलब रहने के लिए। हाँ, मतलब डिसेंट है ना, 3-3.5 हज़ार में और क्या चाहिए। और टाइम हो रहा है 1:25, अरे पेट्रोल भराना है। और तो ये ठंडी वास्ते का 28 बता रहा है, बट 25 एक रहेगा आराम से। पेट्रोल डालना है फिर निकल देते हैं, 6-7 घंटे का जर्नी है। अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जा सकते हैं, घर में रूम में बैठोगे ना तो कंफर्टेबल रहते हो आप। अरे ट्यूलिप पर नहीं थे, हॉस्पिटल है। ओके तो आप कंफर्टेबल रहते हो तो निकलने का मन नहीं होता। मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था, तो अभी निकल चुके हैं फाइनली। एक बार रोड पे आने के बाद तो कुछ नहीं है, तो चल सकते हैं। बस वो तैयारी करना वो सब तकलीफ़ है यार, बट ठीक है, अच्छा हुआ ट्रिप, मज़ा आया। आई होप और भी अच्छे राइड करने मिले। हो गया हाईवे, यहाँ से कोल्हापुर एयरपोर्ट 7 किलोमीटर आगे है। पेट्रोल पंप किधर मिलेगा यार, हाईवे से नज़दीक ही तो जाते हो, कितना दूर क्यों लगा? ट्रैफिक है, यही मैं वही बोल रहा था, अगर रात को निकलते ना तो फटाफट जा सकते बाहर। एक बार हाईवे पे लगे तो फिर हाँ दिख गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल डालते पहले, ले क्या है इधर इधर तो कौन उसने तो पड़े आराम से उतर। बस हाँ बसू शकते ना, बसू शकतेस ना। जा काय थाम एवढीच कशी काय जागा राहिली आज। इधर एक बड़ा पेट्रोल पंप दिख रहा है बाबा, काश हो यहाँ पे। ऑलमोस्ट 6-7 किलोमीटर में आ गया बिना पेट्रोल के, मतलब रिजर्व पे डाल के। पेट्रोल ही नहीं, हाँ है। अच्छा मिल गया,
फुल करा, कार्ड चालू है, कार्ड आया ना। इकडे बाकीचे पेट्रोल पंप चालू नसतात काय जास्त? ₹1,009 किती आला? 9 लिटर बस, 11-12 लिटर की है। जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप है वो चालू है मेरे ख्याल से, छोटे छोटे नहीं चालू है। तो अगर आप आ रहे हो ये साइड कोल्हापुर सातारा साइड, तो पेट्रोल पूरे ख़त्म होने का वेट मत करो, पता नहीं कब कौन सा पेट्रोल पंप बंद रहे। लेन में बहुत सारे पेट्रोल पंप है बट बंद है। अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मैं ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर आगे आ गया पेट्रोल पंप ढूंढते ढूंढते। अगर उतना पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वाट लगेगी, वही चीज़ है। निकिता को अभी लग रही है ठंड, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमने मुंबई में बारिश हो रहा था इसलिए रेनकोट लाया था, अभी वो ठंडी है इसलिए पहनेंगे। पैंट है हाँ, ये पाहिजे। आणि हा तुझा पाहिजे की माझा दे? कुठला पण दे, हा हा खूप अनकम्फर्टेबल आहे। कैसा लग रहा है? चला के 50-60 किलोमीटर भी नहीं हुआ और हालत ख़राब हो गई ठंडी से। और एक्चुअली हमने निकलते निकलते कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लगी थी, तो खाया था बट बहुत पहले ये सब अभी चल रहा है। कसौट पहले ठंडी नहीं थी कोल्हापुर में, कोल्हापुर जब छोड़ा और ये अभी रोड लगाया ना जहाँ पे गांव नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। टेम्परेचर तो वैसे 25-26 डिग्री सेल्सियस बता रहा है बट हवा की वजह से वो ऑलमोस्ट 23 होता रहेगा, 23-22 के आसपास होता रहेगा। तो इसने ये नॉर्मल पैंट पहनी है, ऊपर जैकेट है बट ये मेश है पूरा, मेरा भी मेश है बट यहाँ पे गार्ड से इसके वजह से मुझे ठंडी नहीं लग रही है बट इसको लग रही है। अभी क्या करेंगे, जो रेनकोट निकला वो पहनेगी, आराम से बैठेंगे और फटाफट चला लेंगे बिकॉज अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ठंडी बढ़ती रहेगी और फिर इसकी हालत ख़राब होते जाएगी। सोएगी नहीं ना? नहीं, मैं रोक दूँगी। चल अभी देखते खाते और फिर निकल जाएंगे। टाइम क्या हुआ? टाइम कितना हुआ? 2:30 निकले थे, 1:30 बजे, 1:30 बजे। तो यहाँ पे हाईवे और थोड़ा स्पेस अच्छा लगा पार्किंग के लिए, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो नॉर्मली कैसा होता था, जो भी इधर उधर ये शॉप्स है ना उसके आगे ट्रक खड़े हैं, बस खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए हमने अवॉइड किया वहाँ पे रखना। यहाँ पे ये पीछे मेरे शॉप है तो हाँ ये अच्छा, मैं कितने तक खा लस नहीं तो अभी खाते हैं और फिर निकल जाएंगे। क्या ETA क्या बता रहा है? 4:14, 4:18 दो घंटे में पहुँच जाना चाहिए। क्रैम वाला ठीक है। चलो ठंडी लगता था तला गाना करू शकत। हा बरं वाटलं रे थोडं। 53 किलोमीटर कवर कर चुके आहे, 3:14 टाइम, किती 4 तास दाखवत होतं ना, हो 8 तो ऐसे बजने वाला आहे, 7:30-8। अब येगा सातारा, काय झालं? आई थिंक अभी 100 किलोमीटर पे पुणे रहेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 16-17 डिग्रीज। तो यहाँ पे बाजू में क्या है, ये आग दिखा तो रुक गए, गर्म पानी पी रहा हूँ ताकि अंदर से थोड़ा ठंडा लगे। और ये निकिता अंदर से थोड़ा गर्म लगे, ठंडा हो गया है। Two hours later. So, कैसे कैसे तो यहाँ पे पहुँचे, खेड़ शिवपुर के आसपास है, अभी तक तो पुणे भी नहीं आया।
और टाइम हो रहा है 6:30-6:15, इतनी ठंड लग रही थी ना, मतलब 16-17 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर था, और जब बाइक चलती थी तो और ठंडा हो जाता था। सो ये जो मेरा गियर है ये प्रॉपर टूरिंग वाला नहीं है, यहाँ पे ये सब मेश है, यहाँ पे भी पूरा मेश है, और निकिता का भी सेम हालत है। तो अंदर बहुत सारी हवा छा चुकी है, बहुत ठंडा है, हाथ एकदम सुन पड़ चुके थे। तो रास्ते के बाजू में एक होटल मिला, यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय पियेंगे और थोड़ा वेट करेंगे कि सनराइज़ हो, मतलब अभी 6:15 तो 6:30-7 तक सनराइज़ हो जाएगा। थोड़ा धूप निकलेगा तो थोड़ा गर्म होगा, उसके बाद आगे का डिस्टेंस कर देंगे, बिकॉज अभी तक घर पहुँचने के लिए 2 घंटा बता रहा, मतलब अभी 6:15 तो 7:30-8 तक घर पहुँचेंगे। जो कल जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जाने का था, बट अभी ये निकिता का पहला राइड है और फिर उसके वाट लग चुकी है ठंडी की वजह से, क्योंकि नींद भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है, ठंडी भी लग रही है, और ठंडी की वजह से ना पूरा बॉडी पेन होता है। तो उसकी वजह से आराम से लेंगे, अभी थोड़ा देर सोएंगे, चाहिए तो आधा घंटा रुकते हैं और फिर निकल जाएंगे 7:00। थोड़ी थोड़ी धूप निकलने दो, फिर मज़ा आएगा चलाने के लिए। इसकी हालत ख़राब हो गई है, ठंडी से मेरी भी ख़राबी हो गई ऑलमोस्ट, बट क्या है, इसका पहला राइड है और पहला इतना डेंजर राइड, सॉरी, तो कार से लाना चाहिए था। अभी भी 2-3 घंटा बता रहा है घर जाने के लिए। शिट, ठंडी 18 डिग्री सेल्सियस है रे पुणे का टेम्परेचर। अभी लोनावला से मुंबई की तरफ जाते हो के पैच पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, बट वहाँ से आते वक्त हमेशा भीड़ रहता है, तो एक अच्छी चीज़ है, ये फटाफट कवर हो जाएगा और खोपोली एग्जिट करेंगे यहाँ से। राइट, सो फाइनली घर पहुँच गए, कैसे कैसे तो राइड ख़त्म हो गई है, मतलब लगा नहीं था कि इतने चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस इसलिए आए क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतनी ठंड गिरेगी, मतलब जब हम निकले तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा कितना 17-14 तक गया था टेम्परेचर, और जब हम राइड के लिए निकले थे घर से यहाँ से तो बारिश हो रही थी, बारिश और बहुत ज़्यादा धूप थी, तो ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि ठंड गिरेगी। और जैसे हम राइड करना वहाँ से राइड करना स्टार्ट किए, उसी दिन रात को ठंड पड़ना चालू हो गई, तो निकिता की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं ठंड बेयर कर सकता हूँ बट इसको साइनस है, और इसको मतलब 20 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर रहेगा ना तो सहन नहीं होता है। और ऊपर से हमने सिर्फ जैकेट लिया था, वो भी मेश वाला, मेरे पास तो पैंट थी, बूट थी, तो इतना फील नहीं हो रहा था, इतनी ठंड लग नहीं रही थी, बिकॉज बूट में से वैसे भी हवा जाती नहीं है, पैंट मैंने वो जिपर बंद कर दिए थे, बट इसके पास ट्रैक पैंट था ना, वो योगा वाला था, और रनिंग शूज़ थे, रनिंग शूज़ को भी वेंटिलेशन के लिए मेश होता है, तो वहाँ से पूरी ठंड अंदर घुस गई, और जैकेट तो कुछ काम का था नहीं बिकॉज उसके अंदर लाइनस थे नहीं, तो कैसे कैसे तो करके हम आए। फैन बहुत अच्छा किया, बिकॉज जाते वक्त हमने बहुत सारे ब्रेक लिए थे, आते वक्त सुनो कैसे एक या दो, तो एक्सपीरियंस कैसा था तेरा, ठीक वापस आएगी? जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, देखो वैसे राइड करने के लिए प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर आपके पास प्रॉपर गियर्स है ना, मतलब जैसे कि समझो आप बारिश के टाइम पे बारिश में जा रहे हो, तो मतलब समझो आप रेनी सीजन में जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर गियर है, प्रॉपर यू नो रेन गियर्स है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठंड में चला रहे हो तो ठंड में अगर आपके पास विंटर लाइनर है तो प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप प्रॉपरली तैयार होके नहीं जा रहे हो ना तो प्रॉब्लम वहाँ पे होती है वहाँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यस प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब डाउन बिलो, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।